यार एक बात तो बता, यहाँ पर हमने पूरे विलेज को आग लगा दिया, लेकिन इसने किया क्या था भाई? ये दोषी क्यों है इतना खतरनाक वाला? ये भाई इस आदमी ने ना मुझे बाप नहीं बुलाया था भाई, बाप को तो बाप ही बोलना पड़ेगा ना, लेकिन इसने नहीं बुलाया था, इसकी इतनी हिम्मत। अब इसको भाई भाई बताता हूँ क्या होता है। भाई पीछे भी एक बोर्ड है देख। अरे हाँ हाँ पप्पू विलेजर 69। अरे पप्पू विलेजर नाम है इसका, वो भी 69 नंबर घर अभी पे रहता भाई था। 60, अरे 69 नंबर पे रहता नहीं था, इसके साथ 69 होने वाला कुछ देर में। डैश को पापा नहीं बोला। अरे ठीक है भाई। ओ भाई यहाँ पर लिखा है काम ऐसा करो कि चार लोग लावा के ऊपर उल्टा लटका दे। भाई इतना बड़ा क्राइम कर दिया इसने, भाई इसको जलाओ। चलो कौन कर रहा है भाई? अच्छा शुभ काम कौन करना चाहता है भाई? मेरे पास ही है, मुझे ही बाप नहीं बोला था इसने, बताऊँ इसको क्या कर दूँ? भाई कर दे कर दे कर दे कर दे भाई 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 इसकी मौत तो पक्का है। ओ भाई क्या बात है भाई, जो जो ताली नहीं बजाएगा उसको भी मारूंगा इसी तरीके से। वो देखो बैठे हुए बेचारे खड़े हैं। लगा एक एक का नंबर लगाओ फिर भाई। एक मिनट, ये क्या है? थंडरबोल्ट लाइटिंग हो रही है। थॉर आ रहा भाई? थॉर वॉर कैसे आ सकता है? कुछ भी मत बोलो। अरे उसकी आत्मा है भाई। भाई आत्मा कैसे बिजली लाएंगे यार, कुछ भी बोल रहा है तू। अरे भाई वो आदमी काला जादू करता था यार शायद। भाई ये सब क्या हो रहा है पता नहीं। भाई चलो ये वाले विलेज को तो हमने तहस नहस कर दिए। भाई ये लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे तो ऐसा ही होगा इनके साथ में। चलो भाई निकलते यहाँ से। ए एक मिनट चलो भाई, चलो। क्या ये क्या, अबे ये क्या? ए भाई ये क्या है भाई? ये तो गॉड गॉड कैसे भाई, भाई ये कुछ भी चलो क्या? भाई यार इनके सामने झुक के रहना होगा यार। भाई कैसे झुक के रहना होगा भाई? भाई निकाल भाई पिकेक्स, गॉड को भी गिरा दे लवा में। भाई क्या मारू क्या? अरे भाई नहीं 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 मार सकते भाई। नहीं नहीं भाई लग ही नहीं रहा है, ये क्या ये? भाई ये गॉड को आग तक नहीं लग रही भाई, क्या ये? भाई ये सच में भगवान है भाई, दूर रहो। हाँ भाई रुक जाओ रुक जाओ भाई, सुन लेते गॉड की बातें। अरे भाई ये तो मुझे मार रहे भाई, सुन रहा हूँ आपकी बात सर, सर बातें सुन रहा हूँ। तुमने यहाँ सारे विलेजर्स को मार दिया, सबको जला दिया, पराभूति हो चुकी है। अब मैं तुम्हारे ऊपर अगले 5 दिनों में 5 डिजास्टर छोड़ूंगा भाई। 5 दिन में दुनिया खत्म होने वाली भाई, हमने बहुत गलत काम कर दिया लगता है। अरे भाई ये कौन सी बात हो गई भाई, अब क्या करेंगे हम लोग? लेकिन भाई मुझे नहीं पता हम लोग बहुत ज्यादा पापी हो गए यार। भाई मुझे पापी तो नहीं यार, लेकिन मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा गॉड पे भाई, कोई नकली फर्जी गॉड है। ओ भाई ये क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है भाई ये क्या लग रहा है तुझे भाई? गॉड के लगते बहुत। अबे ये क्या आ रहा है? मुझे तो भाई लग रहा था। भागो भागो भाई। ओ भागो, तुम लोग क्या कर रहे हो उधर? अरे भाग भाग भाई, क्या मैं तो भाग रहा हूँ भाई, जंगलों में भाग रहा हूँ मैं। अरे भाई और एक आ गया देखो ऊपर में। ओ भाई ये क्या था, किधर गया वो? अरे भाई मुझे तो सच में भगवान लग रहा है वो। भागो, अबे बिजली गिर रही है उसके ऊपर फिर भी नहीं मरा वो। भाग, मैं तो जा रहा हूँ भाई, घोड़ा पकड़ो भाई। भागो भागो भाई, अपनी गाड़ी घोड़े सब ले लो भाई। ये आसमान को क्या हो रहा है? ये पागल हो गए भाई, भाई वापिस से टाइम पीछे हो गया। एक मिनट, गॉड गायब हो चुके भाई। भाई ये क्या, बिजली कड़क रही है, गॉड गायब भी हो चुके हैं भाई, मतलब ये सच में भगवान थे भाई। भागो, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से। बिजली तो अभी भी कड़क रही है, लेकिन अभी उसकी बात सच तो नहीं है भाई। सच बात है भाई, अब क्या होगा लेकिन हमारे साथ? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ये हमारा न्यूज चैनल आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन पर, जाके जल्दी चेकआउट करो भाई। एक बात बता, ये क्या हुआ हमारे साथ में भाई? मैं मानता हूँ हमने 200-300 विलेज को आग लगा दी है, 10-12 हजार लोगों को मार दिए, लेकिन भाई ऐसा थोड़ी करना पड़ता है गॉड को। भाई बहुत कम लोगों को मारे यार, और अभी भी बहुत सारे लोगों को मार सकते थे भाई, हम लोग का पाप का घड़ा भी भरने का है भाई। पहले तो मुझे वो आदमी पूरा फेक लग रहा था, लेकिन उसने जैसे एस्ट्रॉइड गिराया ना भाई, उसके बाद मुझे लग रहा है कि हमको अगले 5 दिन के बारे में सोचना चाहिए। तो भाई मुझे तो लगता है कि हम लोग को ना यहाँ थोड़ा पहाड़ के पास अपना बंकर बनाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, नहीं तो भाई कुत्ते की मौत मरेंगे अब हम लोग। भाई तभी तो तुमको मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। लेकिन यार एक बात बताऊँ, मुझे 5 दिन बाद होने क्या वाला है? 5 दिन बाद या तो भाई सबसे खतरनाक दिन आने वाला है छठवां दिन, या तो फिर सब कुछ शांत होने वाला है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है तो एक काम करते भाई, यहाँ पर बंकर बनाना चालू करते हम लोग, टाइम वेस्ट मत करो अपना बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा लेके आया भाई शवल वगैरह, तुम लोग भी भाई तोड़ो सब कुछ। अरे तो भाई हम लोग मेयर की हेल्प मांगते हैं ना भाई, भूल गया क्या? मेयर को भी तो भगा के मारे थे हम लोगों ने, मतलब मारे नहीं थे भाई उसको, लेकिन वो भी तो हमसे दूर हो गया था भाई इतने खतरनाक काम करने के बाद। यार हमने किस किस से पंगा लेके रखा यार। अरे यार भाई हम लोग यहाँ पे इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन एक बात बता भाई, हम लोग कोई दूर में आइलैंड में जाके भी तो कर सकते थे ये सब। अरे भाई तू समझा नहीं, 5 डिजास्टर आने वाले हमारे ऊपर, मतलब यार देख हो सकता है उसमें से एक सुनामी हो, और तुझे तो पता है ना सुनामी में बर्बाद हो जाएंगे अगर हम लोग कोई आइसलैंड में जाएंगे, और अगर हम लोग कोई बर्फ वाली जगह में जाएंगे भाई तो जियो स्ट्रॉम आ सकता है और सारी जगह खत्म हो सकती है। लेकिन भाई देख अगर यहाँ पे जियो स्ट्रॉम आता है तो ये तो अच्छा सा एरिया है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा और शायद सुनामी से भी कुछ ना हो। पर यार 2-3 चीजें जो हमें मार सकती है वो है अर्थक्वेक। भाई देखते हैं अर्थक्वेक आता है कि नहीं। तो भाई मैं अपने काम पे लग जाता हूँ, तो यहाँ पर बनाते पहले एक एंट्रेंस, भाई गॉड को भी लगना चाहिए हम लोग भाई अच्छा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर बढ़िया से एक एंट्रेंस बना देता हूँ मैं यार। लेकिन एक बात है फ्लिक, यहाँ पर पूरा मौसम बिगड़ते जा रहा है, तू समझ रहा है? कुछ ना कुछ हमें लक्षण मिल रहे हैं भाई सबके, कुछ ना कुछ तो खतरा होने वाला है। काम जल्दी जल्दी करो ना, तुम लोग क्या टाइम पास कर रहे हो भाई? अब क्या कर रहे हैं? इतना क्या मुर्गी पका रहा था बताओ। हाँ भाई सोचा है हमें नीचे की तरफ जाना है। देख ये बंकर तो बन गया, देख कितना प्यारा बंकर है, एक बार सबको दिखा देता हूँ भाई, कितना प्यारा सा बंकर है ये। बंकर जैसा दिख रहा है और भी खतरनाक दिख रहा है बंकर से भी। लेकिन अब हमें नीचे की तरफ जाना है, तो एक काम करो भाई, सबके सब नीचे खोदना चालू करो, क्योंकि हमें नीचे बढ़ना है। अब गॉड ने हमको चैलेंज दिया भाई, मतलब कि हमें जीना पड़ेगा अब कैसे ना कैसे करके, बाद में भाई हम लोग जान की भीख मांग लेंगे। तो एक काम करते भाई, 2-3 विलेजर्स को भी यहाँ पे लाते हैं भाई। भाई अपना एम्पायर हमेशा जिंदा रहना चाहिए, तो इसको तोड़ना चालू करो जल्दी जल्दी भाई। यार हमने इतना सारा काम तो कर लिया, लेकिन अब हमें
में और भी चीजें बनाना है यहाँ पर, तो भाई ये कौन गलत गलत लगा रहा है भाई, अच्छे से लगाओ थोड़ा सा। तो ये बहुत ही गलत है जो भी कर रहा है। तो हमें सीढ़ियां बनानी ऊपर जाने के लिए, और हमारे पास सिर्फ आधा दिन बचा हुआ है यार, आधे दिन में कैसे कंप्लीट होगा ये। वो तो अच्छा है भाई, हम तीन तीन लोग हैं, तो जल्दी जल्दी सीढ़ियां बना दे फ्लिक। तो भाई ये पूरा काम लगता है मुझे ही करना पड़ेगा यार, क्योंकि राहुल पूरा गलत गलत कर रहा है भाई, मेरा मुंडी फूट गई अभी। भाई तूने खुद गलत कुछ कर ही नहीं रहा यार, अभी तो किया मैंने। भाई जल्दी जल्दी काम करो, बातें मत करो भाई। आखिरकार सीढ़ी बन गई, लेकिन तुम लोगों ने इतना टाइम वेस्ट क्यों कर दिया भाई? जाओ दो तीन विलेजर को पकड़ के लाओ, मतलब दो तीन नहीं भाई, कम से कम 10-12 लेके आना। ये काम फ्लिक और राहुल तुम दोनों को दे रहा हूं, तब तक मैं बंकर बनाता हूं। तो यार ये रहा ऊपर जाने का रास्ता भाई, एक काम करो ऊपर में दरवाजा लगा दो एकदम बढ़िया सा, और तुम लोग जाओ विलेजर को पकड़ के लाओ। यार मुझे एक बात बताया, अगर यहाँ पर मिट्टी और गिरा ना तो ये जगह बच नहीं पाएगी। वैसे मुझे पता है ऑब्सीडियन से भी नहीं बच पाएगी ये जगह, लेकिन यार ट्राई करके तो देख सकते ना हम लोग भाई। बस 5 दिन हमको सर्वाइव करना है, तो एक काम करता हूं जल्दी से यहाँ पर ऑब्सीडियन लगा देता हूं पूरा भाई, इसको भी पूरा कंप्लीट कर देता हूं। शायद से मैंने सब कुछ सही किया हूं मैं उम्मीद करता हूं। और यहाँ पर 2 ब्लॉक बच गए भाई, इनको भी तोड़ना पड़ेगा मुझे। यार अभी तक राहुल और फ्रिक आए नहीं, और पता नहीं बाहर का मौसम कैसा है, एक बार देख लेता हूं अभी तक मौसम ठीक तो होगा ना। हाँ भाई अगले दिन का सुबह हो ही रहा है, तो मुझे निकलना पड़ेगा भाई। अगर वो लोग नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगा वो लोग निपट चुके हैं, क्योंकि भाई अगर ट्रेलर इतना खतरनाक था गॉड का, तो भाई खतरनाक तो काम होने वाला है ना आगे। और ये देखो मैंने अजीब से पैटर्न लगा दिया इसको रैंडमली, तो ये बढ़िया है। और ये देखो ये हमारा एंट्रेंस रहेगा बंकर का, वैसे पता नहीं बंकर कितना टिकने वाला है। और ये रहेगा भाई जहां पर हमारे विलेजर्स रहेंगे, तो जल्दी से मुझे खोदना चालू करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। अब वो लोग विलेजर्स को लेके आएंगे और मैं डेकोरेशन कंप्लीट कर दूंगा, मतलब डेकोरेशन कुछ नहीं करना है यहाँ पर, रहने के लिए थोड़े बहुत बेड वेड लगा दूंगा बस। भाई मेरा तो पूरा काम हो चुका है और नए दिन की शुरुआत भी होने वाली है, अब कुछ ही समय बचा हुआ है। और ये देखो भाई मैंने क्या क्या बना दिया यहाँ पर, येलो कलर का मैंने ब्लॉक लगा दिया ताकि लगना चाहिए भाई। और ये तो सबसे ज्यादा सीक्रेट जगह है, मतलब एकदम खतरनाक बंकर है, एकदम ट्रिपल लेयर की प्रोटेक्शन दिया भाई मैंने यहाँ पर। अगर हम लोग एक ये तोड़ेंगे ना, इसके बाद और भी निकलेंगे ऑब्सीडियन, मतलब खतरनाक जगह बन चुकी है। थोड़े बहुत बेड लगाने के लिए बचे हुए हैं वहाँ पे, 3-3, 9 बेड हो चुके हैं। अब थोड़े और बेड लगा देता हूँ भाई, बाकी लोग जमीन में सोएंगे, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है यहाँ पर मैंने बेड लगा दिया, और देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत जगह बची हुई, उसमें भी कुछ कुछ लगा देता हूँ जो काम के आने वाले हमें, क्योंकि भाई हमें बस 5-6 दिन सर्वाइव करना है। अब पता नहीं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा मैं। अरे डैश यहाँ पे आ भाई, हम लोग बहुत सारे विलेजर्स को लेके आ गए। भाई क्या बात है, कितने विलेजर है भाई? 5-6 विलेजर क्यों और चाहिए क्या भाई? 5-6 रास्ते में आ रहे हैं भाई। 5-6 रास्ते में आ रहे भाई, बता दिया ना उनको अच्छे से एड्रेस, आ जाएंगे ना। अरे पहुंचेंगे भाई, उनका बाप भी आएगा। अरे भाई एक मिनट यार, मौसम खराब हो रहा है, देख एक बारी। हाँ भाई मौसम खराब, बारिश चालू होगी भाई। बारिश है ये, मतलब कौन सा डिजास्टर आ सकता है, तुमको क्या लगता है? ओ भाई अर्थक्वेक आएगा भाई, अर्थक्वेक, सुनामी, अर्थक्वेक। भाई ये सब क्या बोल रहे हो तुम लोग, पहले दिन इतना खतरनाक भाई, पहले इन गरीबों को अंदर लेके जाओ। अरे लेकिन जो गरीब आने वाले उनका क्या, वो तो मर जाएंगे बारिश में ही। रुक जा भाई, मैं जाता हूँ उनको बचा के आता हूँ। एक काम कर राहुल, तू उनको अंदर लेके जा भाई। फ्लिक चल मेरे साथ भाई, उनको लेके आते हम लोग। चल चल भाई, ये लोग को अंदर लेके जाना यार। भाई जाओ अंदर, जाएंगे भाई वो लोग जैसी रात होगी। ओ भाई ये रहे भाई गरीब लोग, पता नहीं क्या कर रहे। अरे तुमको जीना नहीं है क्या? हमारे पीछे पीछे आ जाओ अभी। टकले चल भाई हमारे साथ, मर जाओगे। क्या है भाई, इनको नहीं आने लगता है भाई, ये मरने वाले। एक मिनट भाई, मौसम कुछ ज्यादा ही बिगड़ नहीं रहा है? अरे हाँ यार, कुछ ज्यादा ही अंधेरा हो गया, ये तो ब्लैक कलर का आसमान है भाई। ब्लैक कलर का आसमान मतलब क्या होता है भाई? हमको जाना चाहिए शायद। एक बार फिर से बोल देता भाई, ये तो पागल लग रहा है मुझे। इन चारों को बोल देता भाई, तुमको आना नहीं है क्या? भाई नहीं मना कर रहे भाई, नहीं आना चाहते ये लोग। अभी छोड़ दे यार इन लोग को, चल अपन चलते, नहीं तो अपन को कुछ हो जाएगा। और क्या भाई, निकल रहा हूँ मैं तो। ओ भाई ये क्या है? अबे ये क्या है भाई? ओ भाई यार ये क्या हो रहा है? एप्पल खाने दो मुझे भाई, लगता है मैं जिंदा बच जाऊंगा। भाई ये सब क्या है भाई अपनी ऐसी हालत है तो विलेजर की कैसी हालत होगी? अरे यार भाई वो चार लोग कहाँ गए यार? भाई मैंने तो कहा था उनको आने के लिए, लेकिन लोग निपट चुके होंगे अभी तक। अरे भाई ये क्या हो क्या रहा है वैसे बाहर? भाई ये क्या नशे में है क्या तू? क्या फूक के आया था भाई? भाई अभी खुद ही तो बोला कि एसिड ड्रेन है, क्या बातें करता है भाई। भाई लगता है इसके दिमाग में, आंखों में एसिड ड्रेन के, लेकिन दोनों चश्मा पहना है। खैर कोई बात नहीं, ये पहला डिजास्टर था भाई। और ये कैसा डिजास्टर? अरे भाई भाई ये सब क्या है भाई? इसे तो पॉइजन मिल रहा है यार। भाई ब्लाइंडनेस पॉइजन सब मिल रहा है। रुक जाओ भाई, मुझे मरना नहीं है, कोई बाहर मत जाना यार। हो सकता है पत्थर को भी गला दे भाई, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है मैं अंदर जाना चाहिए, दरवाजा लगा दो भाई। और ये दो तीन गरीब क्या कर रहे हैं, इनको फेंको भाई यहाँ से। भाई काम करो जल्दी से, मैं बंद कर देता। अरे ये कौन पागल गया भाई? यार मुझे एक बात बताओ, दूसरा दिन चालू हो चुका है, पहला दिन तो भाई हमने सर्वाइव कर लिया, क्योंकि भाई हम लोगों ने बंकर बना दिए थे। गॉड को लगा भाई हम लोग ऐसे ही भाई झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन नहीं भाई, हम लोग बंकर में आ चुके थे इसलिए बच गए। अगर महल में रहते ना अपने, तो महल अभी तक पिघल गया होता भाई। ऐसी ड्रेन कितना खतरनाक था, 1 सेकंड में विलेजर को मार दिया उसने। एक बात बताओ, कोई बाहर जाके आया था क्या? दूसरा दिन चालू हो चुका है क्योंकि। अरे मैं गया था ना भाई, वो बारिश तो रुक गई, लेकिन अभी दूसरे दिन में बहुत कुछ हुआ नहीं है वैसे अभी तक। हाँ यार ऐसा तो नहीं यार, भगवान ने माफ कर दिए। अरे तो चलते भाई, देख के आते हैं बाहर। भाई लगता है हम लोग बच चुके, दूसरे दिन में सर्वाइव हो गया हम लोगों का, क्या बात है भाई। यहाँ पर बंकर में तो हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से बचे हुए, यहाँ पर कोई डिजास्टर नहीं आ सकता भाई। और दूसरे दिन कौन सा ही खतरनाक डिजास्टर आएगा, एक्सीडेंट जैसा ही कुछ आएगा खराब। भाई ये क्या, मुझे बीमारी होगी शायद प्लेग की, मतलब ऐसे लिख के आया था कुछ तो। तो भाई ये तू दूर रहे भाई, रुक जा। मतलब प्लेग क्या होता है भाई? 1 सेकंड, प्लेग मतलब भाई महामारी, मतलब बीमारी भाई, खतरनाक, कोरोना से भी खतरनाक, कोरोना का बाप है वो। फिर भाई यहाँ पर किसी को कोविड जैसी बीमारी हो चुकी है भाई, ढूंढो उसको भाई। इतने सारे विलेजर है यार, ये बच्चा तो नहीं है? अरे भाई इन सबका करते हैं ना टेस्ट अभी। भाई टेस्ट कैसे करेंगे, हमारे पास कुछ है नहीं। मारना चालू कर रहा भाई। अरे भाई रुक जा, मारना मत चालू कर अभी, रुक रुक भाई, मर जाएंगे भाई, पागल हो गया फ्लेक, वो नहीं मरना चाहता। क्योंकि भाई यहाँ के तो विलेजर ठीक लग रहे हैं मुझे। एक मिनट,
अरे भाई यहाँ पे देख भाई, इनके अंदर से कुछ तो काला काला निकल रहा है, प्लेग हो चुका है भाई, मारो इनको मारो भाई। रुक जा अभी मत मार, रुक जा, कुछ इलाज कर सकते हैं हम लोग भाई, खत्म मत करो सबको। ठीक है भाई, रुक जाते, लेकिन क्या इलाज करेंगे भाई, कॉन्टेक्ट में बताओ। मुझे वीकनेस और हंगर आ चुका है भाई, मतलब डे टू में प्लेग आने वाला था, हम लोगों ने इतने विलेजर जमा किए लेकिन ये हालत हो गई हमारी भाई। एक सेकंड कुछ ज्यादा पार्टिकल निकल रहे मेरे अंदर से भी, लगता है भाई मुझे भी कुछ होने वाला है। लेकिन भाई मैं सब कुछ रेडी करके हूँ, एप्पल खा लूंगा ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ये लोग कैसे ठीक होंगे पता नहीं। एप्पल नहीं भाई, बाहर जाके पैरासीटामोल खरीद के ला भाई, लगता है फ्लिक के दिमाग में प्लेग हुआ है। ओ भाई ये क्या नशे की हो रहे हैं मुझे, और ये विलेजर भी मर रहे हैं यहाँ पे, मर रहे यार, सब खत्म हो रहे हैं भाई, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है भाई। एक काम करो जल्दी से मिल्क बकेट लेके भाई, वो दवाई वाला बस एक है भाई, एक है तो भाई मैं ही बचूंगा ना, वो तो और क्या भाई, क्या हो रहा है, मैं तो कॉर्नर में बैठा भाई, मैं नहीं आ रहा। ओ भाई मैं जल्दी दूध पी लेता हूँ यार, मैं ठीक हो चुका हूँ शायद। हाँ भाई सब मर गए भाई, सबके सब मर रहे हैं भाई, हमारी आंखों के सामने कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग। अरे अरे गोलम कहाँ से आ गया, अरे भाई उसको भी प्लेग है, मत जा उसके पास। सब बंदे हमारी आंखों के सामने मर रहे हैं भाई, मुझे नहीं मरना है बस, मुझे तो प्लेग नहीं हुआ है भाई, मतलब बच गया मैं। एक मिनट भाई, ये आखिरी बंदा बचा हुआ, ये भी निपट लिया हमारी आंखों के सामने भाई, ये भी मर जाए जल्दी, मर भाई, मुझे बच गया भाई। लेकिन एक सेकंड भाई, गोलम को भी तो प्लेग है भाई, दूर से मार इसको, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ इसको। अरे भाई ये तो मुझे मार रहा है, मार उसको भाई, मारो यार इसको भाई, रहने का सहारा दिया हम लोगों ने भाई। चलो आखिरकार हम लोग बच गए यार प्लेग से भी, लेकिन हम तीनों ही बचे, सिर्फ बाकी लोग आ गए यार। हम लोगों ने जितने विलेजर्स को बचाया था सबके सब निपट लिए भाई, एक को भी नहीं छोड़ा ये प्लेग ने, खतरनाक था ये तो। लेकिन हम तीनों अभी बचे हुए, अब तीन दिन और सर्वाइव करना है। मैं तो ये सोच रहा हूँ प्लेग इतना खतरनाक था कि मुझे तक हो गया था, और शायद तुम लोगों को भी हुआ होगा, लेकिन तुमने दवाई पी ली तो बच गए। अब भाई देखना पड़ेगा आगे क्या होने वाला, तो मैं तो सोच रहा हूँ भाई बाहर निकलते हैं, और मुझे लगता है यार गॉड को हमारा लोकेशन पता होगा, तो जगह भी चेंज करना पड़ सकता है हमें। अरे यार ये सब शायद गॉड का ही प्लान है भाई, वही चाहते थे कि हम इन सबको यहाँ पे लेके आए और फिर उनको प्लेग हो जाए। वही तो भाई, मतलब हम किसी को बचा नहीं सकते, लेकिन हम एक दूसरे को बचा सकते हैं भाई, कुछ ना कुछ टेक्निक लगाकर। लेकिन तुम ये तो सोचो भाई, हम जैसे तीन पापी बचे सर। भाई अब बहुत हो गया भाई, अब बाहर निकलते हैं हम लोग, और यार जो भी आने वाला है ना सीधा सामने खड़े होकर लड़ेंगे, मतलब अब लड़ कैसे सकते हैं भाई। फालतू बातें कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आर्मर पहन लेता हूँ पहले तो, और दूध का बकेट भी रखो भाई, कोई भी इफेक्ट कभी भी लग जा रहा है हमें, तो पहले तो भाई बाहर आ जाओ। इधर यार पूरा मौसम साफ है भाई, कोई कुछ बीमारी वगैरह नहीं फैल रही है, हमको लड़ना ही पड़ेगा, भागना पड़ेगा। एक काम करते हैं भाई, पोजीशन चेंज करते हैं अपना, लेकिन अभी नहीं, वो आखिरी दिन करेंगे हम लोग। अरे यार ये तूफान के पहले की शांति भी हो सकती है यार। अब वो मुझे कैसे पता हो क्या हो सकता है, कभी भी आ रहा है, कुछ भी हो रहा है भाई हमारे साथ में। तो भाई एक काम करो, सब लोग रेडी रहो, पहाड़ के आसपास ही रहना, क्योंकि भाई पहाड़ भी तो गिर सकता है भाई, कुछ भी हो रहा है इधर। अरे भाई एक मिनट यार, ये हिल रहा है भाई लैंटर्न भाई, कुछ भी बोल रहा है क्या यार, तुझे व्यायाम हो रहा है भाई, नशे हो रहे तुझे भाई। भाई ये क्या हो गया, ये क्या है भाई, भाई ये क्या है, ए यार ये मजाक चालू है क्या। अरे यार मैं तो गिर गया यहाँ पे, मैं खुद भाई कहीं जा रहा हूँ भाई। ये सब क्या है भाई, इतना खतरनाक हालत क्विक फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। एक सेकंड, जमीन फट गई भाई पूरी, ये सब क्या देख रहा हूँ भाई, मर रहा हूँ मैं तो। अरे यार ये क्या, अरे भाई यहाँ पे पूरा लावा आ चुका है भाई, हम लोग एकदम पाताल तक के पहुंच गए शायद। ओ भाई ये क्या है, मुझे खुद नहीं पता यार ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं चलो जिंदा तो बच गया आखिरकार। ओ भाई ये कहाँ से गिर रहा हूँ मैं भाई, अर्थ क्विक में हवा, अरे बच गया मैं। शिट यार ये सब क्या हो रहा है पता नहीं, तुम लोग कहाँ पर हो यार, नीचे कोई तो दिख रहा है तुम्हें से, रुक जाओ भाई मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ये सब फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। एक मिनट, ये अर्थ क्विक था या मीटियोर था भाई, कोई भाई अर्थ क्विक तो था, पहले दो दिन तो यार वो गॉड ने कुछ भी नहीं किया, अब ये हालत कर दिया भाई इस जगह की। ये सोच सकता है भाई कोई अर्थक्विक से ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब जमीन फट रही है भाई। यार आगे तो और भी बदतर होने वाला है शायद, इससे भी और कुछ गंदा होने वाला है यहाँ पे भाई। लेकिन ये सरवाइव कर लिया हम लोगों ने, सोचो आगे कितना सरवाइव करना पड़ेगा हमें भाई। ये तो अर्थक्विक था सिर्फ नॉर्मल सा, अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो भाई ये अच्छी जगह मिली है भाई, यहाँ से ऊपर चलते पहले, और भाई मैंने पूरी तैयारी कर लिया, अब नहीं मरना है किसी को भी, वैसे कोई मरा नहीं है अभी तक के, लेकिन हमें से किसी को मरना नहीं है, मैंने बहुत कुछ तैयारी कर लिया। देख मेरे पास में तीन तीन टोटम है, लेकिन पहले यहाँ से तो बच जाऊँ मैं, पहले ऊपर निकलता हूँ भाई। वो देखो अपनी जगह क्या हालत हो गया भाई, इतने प्यार से मैंने बेस बनाया था और ऑब्सीडियन तो टिका भी नहीं भाई अर्थक्विक में। अब आगे जो चीजें होने वाली है ना उससे मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक चीज है भाई जो हमें बचा सकता है, ये देखो टोटम भाई, गॉड ने सोचे नहीं होंगे हमारे पास टोटम होगा। अरे भाई तू सवर कर यार, मेरे पास बहुत कुछ है, अभी गोल्डन एप्पल तो तुम लोगों को दे दिया था मैंने, तो अपने पास रखता हूं मैं तीन तीन एनचेंटेड एप्पल, बस टोटम को हाथ में रखना भाई, और बाकी हमको किसी से लड़ना नहीं है ठीक है ना, बस सर्वाइव करना है। और यार यहां से चलते हैं, क्या पता भाई यहां पे और कुछ आ जाए अभी भाई। मैं तो कहता हूं पहाड़ में चलते हैं कोई भी, क्योंकि यार सुनामी अगर आया ना, क्योंकि मुझे लगता है भाई अब सुनामी आ सकता है, तो सुनामी आया तो हम लोग बच सकते हैं पहाड़ के ऊपर भाई। मुझे वो वाला पहाड़ सही लग रहा है, देख उससे भी ऊंचा पहाड़ हमें वहां पर जाने से मिल जाएगा, तो आओ भाई मेरे पीछे आ जाओ जल्दी से, क्योंकि वो पहाड़ मुझे सही लग रहा है भाई, वहीं पर हम बच सकते हैं सुनामी से, मुझे तो गारंटी है भाई सुनामी आएगा। तुमको क्या लगता है भाई, मुझे लग रहा है कि कुछ और आएगा यार, कुछ और आएगा। अरे कुछ भी नहीं आने वाला है भाई सुनामी। एक मिनट, कोई आवाज आई तुमको? अरे भाई एक बार, अबे भाई ये क्या हो गया, ये क्या है पीछे भाई पूरे ब्लॉक भाई, ये क्या है भाई, ये तो टोरनेडो है, मुझे सुनामी लग रहा था भाई। रुक जा मुझे निकलना है भाई अपनी तरफ भाई, ये खींच रहा है। ओ भाई मैं तो उठ रहा हूं यार भाई, मैं गया वाटर बकेट, ओ भाई वाटर बकेट, पानी का क्या मेरा,
पानी उठाने दो मुझे भाई। जमीन क्या ये क्या इतना बड़ा टोरनेडो भाई, ये क्या देख रहा हूँ मैं अपनी आंखों से भाई। भागने दो, रुको भाई तुम। ऊपर कैसे आ गया? अरे भाई काम करो, पहाड़ के टॉप में आओ भाई। भाई मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ यार, ये तो खींच रहे हैं हमें, और ब्लॉक भी हवा में उड़ा रहा है भाई। ये ब्लॉक मेरे सामने उड़ गया, कुछ भी हो रहा है भाई, भागो यहाँ से। शांत हुआ शायद, खत्म हो गई यार। शांत हुआ है, शांत हुआ है। ओ भाई आखिरकार ठंडा हुआ भाई, बच गए हम लोग भाई। क्या टोरनेडो था ये? वो तो अच्छा था, वाटर बकेट था मेरे पास में, और राउल और फ्लिक तो कहीं उड़ चुके हैं, मुझे पता नहीं कहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। मैं इधर ही हूँ भाई, मुझे कौन उड़ाएगा, इतनी हिम्मत है किसी के अंदर? अरे यार मैं पहाड़ के एकदम टॉप में पहुंच चुका। देखो वो लोग कहाँ थे, बाजू में खड़े थे मेरे, अब कहाँ पहुंच गए भाई? ऐसा कब होता है क्या भाई, इतना खतरनाक काम, कुछ भी हो रहा है इधर। लेकिन अब अगला क्या होगा वो सोच यार, ये तो चल बच गए इस बार, पता नहीं कैसे, तो बच्चों ऐसा था पर हम रेडी थे इसलिए बच गए भाई, ये सोच तू। अरे वो छोड़ भाई, इस पहाड़ के टॉप में चलते जल्दी से भाई। फिर से मौसम खराब हो गया, लेकिन हमको पहाड़ में चढ़ना है, क्योंकि अब मैं गारंटी दे सकता हूँ भाई सुनामी आएगा। अब भाई सुनामी आएगा तो हम लोग बच नहीं पाएंगे, क्योंकि पहाड़ में हम लोग चढ़े नहीं अभी तक के। भागो जल्दी। और ये मौसम भी कितना खराब हो चुका है भाई, कुछ गड़बड़ वाला मौसम दिख रहा है। वैसे सुनामी का ही मौसम है भाई, समुद्र में पूरा पानी भरने वाला है। वैसे हम ओशन से बहुत ज्यादा दूर है, पर कुछ भी हो सकता है इधर भाई। पिछले बार जब ऐसी हालत हुई थी तब 15 लोग मरे थे, याद है ना? ओ भाई ये क्या मेरे पीछे, एक मिनट। अभी ये कौन भाई? अरे यार ये क्या हो रहा है? ओ भाई अच्छा यहाँ पे भाई वाटर बकेट। भाई क्या बचाओ, मैं वाटर बकेट हवा में उड़ गया था क्या? मैं गिरने वाला हूँ, मैं मरा टोटा में, लेकिन यार मैं बच जाऊँ। ओ भाई भाई क्या वाटर बकेट क्लच किया किसी ने तुम्हें से? एक मिनट ये फिर से आ गया। ओ भाई मैं कहाँ उड़ गया, शीट पे वाटर बकेट क्लच करना पड़ेगा भाई, ये तो बहुत मुश्किल है भाई, बच जाऊँ मैं भाई। वाटर बकेट क्लच करने के लिए कितना मुश्किल जगह थी मेरे लिए भाई, टोटम यूज हो गया मेरा, लेकिन मेरे पास एक लास्ट टोटम बचा है भाई। जल्दी साइड आ जाओ यार, मैं एप्पल खा लेता हूँ भाई, दो ही एप्पल बचे मेरे पास में भाई, गरीबी आने वाली है यार। भाई अच्छा हुआ ब्रिज बन गया था यहाँ पे, यार सेफ हम लोग, यार सेफ नहीं यार भाई, मुझे लगता है हम लोग सेफ है यार। देख हम लोग टॉप ऑफ द माउंटेन है, वही तो इतने बड़े माउंटेन पे हम लोग, यहाँ कैसे कुछ हो सकता है? कुछ तो हिल रहा है। भागो भागो भाई, एक सेकंड, बोल रहा था भाई सेफ नहीं है भाई। फिर से कुछ, ओ यहाँ पे फिर से आया था भाई अर्थक्विक। ओ भाई ये क्या है, फिर से गिर रहा हूँ मैं भाई, रुक जाओ मुझे गिरना नहीं है, भागो यार यहाँ पर जमीन फटे जा रही है, पता नहीं कैसे क्या। अरे मैं बच गया वापस से भाई, कहीं अटका हुआ हूँ मैं भाई, जल्दी आ जाओ ऊपर भाई, टॉप में आओ जल्दी से, मैं रुका हूँ यहाँ पे भाई। ये तो डे 4 था, एक दिन और बचा हुआ है। शिट यार भागो जल्दी टॉप पे भाई, यार आखिरकार माउंटेन के टॉप में पहुंच गए हम लोग। अब देखो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वैसे सुनामी से बच सकते हैं हम लोग, अर्थक्विक से बच सकते हैं, कि भाई अर्थक्विक पहाड़ को कितना तोड़ेगा भाई, इतने बड़े पहाड़ को तोड़ना नामुमकिन है, तो हम लोग लगभग चीजों से बच जाएंगे। अब तुमको क्या लगता है, कोई चीज बची हुई है जो हमें मार सकती है भाई? और कुछ तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक दिन बाकी है ना अभी, उसका क्या भाई? एक दिन है और इस दिन दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसा गॉड ने कहा था। या तो फिर दुनिया खत्म होने वाली है, या तो भाई हमारे आसपास कितने सारे ब्लॉक पूरे तहस नहस, मतलब हर चीज मरने वाली है। तो अब देखते हैं भाई क्या होता है, तुम लोग बस रेडी रहना ठीक है, कुछ भी हो सकता है इधर। और यार भाई एक मिनट यार, मौसम देखो भाई पूरा खराब हो चुका है भाई, ये मौसम खराब होता है, कुछ गड़बड़ होती है। गॉड से पंगा नहीं लेना था यार भाई, हमने पंगा का लिए थे, हम तो अपना काम कर रहे थे छोटा मोटा भाई। यार हम लोग का पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है शायद भाई, पता नहीं बढ़ा है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस देखो भाई आसपास क्या हो रहा है, और सब लोग रेडी रहना भाई, कुछ भी होता है इधर। अरे यार तुम लोग को भी पानी की आवाज आ रही, और अभी बिजली क्यों कट गई भाई? मुझे खुद पानी की आवाज आ रही, मैं इधर उधर देख रहा हूँ पर कुछ हो नहीं रहा है भाई, लगता है राहुल के पेट में से आवाज आई। अरे भाई सामने देखो एक बारी, अरे भाई पानी आ गया भाई, देखो भाई। अरे रुको भाई, ये लो बोट, लो भाई बोट, लो भाई बोट से क्या होने वाला है? अरे भाई क्या पता बच जाए भाई, पकड़ो बोट। लेकिन इसकी हाइट यार शायद हम लोग के माउंटेन की जितनी है भाई, मैंने कहा था ना माउंटेन में रह के फायदा, माउंटेन में रहने का फायदा देखो भाई। ओ भाई एक मिनट, ये क्या है? अरे भाई ये क्या, अरे भाई ये तो यार उससे भी ज्यादा और हाइट आ गई भाई, बोट पे बैठे वो तो पहला वेव था भाई। ये क्या है भाई, ऐसा लग रहा है खत्म होने वाले हम लोग। अरे धीरे धीरे हमारे तरफ आ ही रहा है। अरे यार ये कौन सी आवाज है, मैं तो बोट में बैठ रहा हूँ। ओ भाई ये पूरी जगह डूब चुकी है, और एक और वेव आ रहा है, नहीं ये वेव खत्म हो रहा है यार, ये सब क्या है? लेकिन बोट में बैठो यार भाई, बोट में बैठने की कोई जरूरत नहीं है, ये जगह पूरी तहस नहस हो चुकी है। अरे किसी भाग ले गया, अरे राहुल भाग गया भाई। अरे भाई अच्छा बच गया यार, मैं बचा है तू भाई, ऐसे कैसे बच गया? ये तो मौत वाला काम है भाई, लगता है हम लोग सुनामी से ही बच गए। और ये पता नहीं सामने में कैसा वेव है, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, पानी पूरा बर्बाद हो चुका है। अरे भाई निकलो यार यहाँ से भाई, ये कौन सा पानी था इतना गंदा भाई, ये कैसा पानी है भाई, पूरे वेव में आया हुआ है। अरे डूब गया मैं तो भाई, इधर बोट भी काम नहीं कर रही अपनी भाई, तुम रहो तो भाई थोड़ा जमीन पे रहो भाई, ये सब क्या है पता नहीं, पूरी जगह डूब चुकी है, और वहां से समुंदर था, देखो मैं सही था भाई, सुनामी आने वाली है भाई, एक और वेव आ रहा है, और लगता है मैं गया भाई, मुझे जल्दी चढ़ना पड़ेगा ऊपर यार, सुनामी आ रहा है, इससे बच गए हम लोग यार, ये सबसे ऊपर वाले पहाड़ में भाई, माउंट एवरेस्ट से बचा लिया हमको भाई। देखो आखिरकार हम लोग सुनामी से ही बच गए, ये बाजू वाला पहाड़ थोड़ा बहुत बर्बाद हुआ है, लेकिन हम तो बच गए ना यार, ये भगवान ने हमें ही मारने के लिए आए थे। देख आजू बाजू के जंगल उतने खराब नहीं हुए, लेकिन हमारे आसपास भाई देख इतने बड़े पहाड़ में भी सुनामी आ चुकी है यार, इसको भी सर्वाइव कर लिया हमने, और ये पांचवा दिन था, और पांचवा दिन में सर्वाइव हो चुका है। लेकिन हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे यार अभी भाई, एक सेकंड वो किसी, अरे ये क्या है भाई यार, ये तो जब गॉड आया था तब था भाई ऐसा। ओ भाई मीटर, ये क्या है वाला, भागो जल्दी, टोटम पकड़ो अपने हाथ में, ये पहाड़ टोटम गया
यार हम लोग कहाँ जाएंगे यार भाई, एक तरफ पानी है और एक तरफ खाई है यार। वही तो भाई, तुम लोग गए क्या भाई? ये क्या मीटियोर गिरे जा रहा है आसमान से? ओ भाई, भाई, ये तो मेरे ऊपर नहीं मरना है मुझे भाई, मेरी भी मौत होगी यार भाई। फ्लिक भी नहीं पड़ चुका है, राहुल भी नहीं पड़ चुका है भाई। देखो इतना सब हो गया और आखिरकार मैं बचा हुआ हूँ, पता नहीं भाग के कहाँ पर आ गया मैं। यहाँ पर भी कुछ फटा था मीटियोर खतरनाक वाला, मतलब कुछ तो आया था भाई इधर, मैंने देखा नहीं अच्छे से, लेकिन आखिरकार मैं बच चुका हूँ। टोटम भी जा चुका है मेरा और फ्लिक और राहुल भी निपट चुके हैं, लेकिन भाई मैं तो बच गया ना। और देखो रात खत्म होने वाली है, मतलब अगला दिन आने वाला है और छह के छह दिन कंप्लीट हो गए। लेकिन एक मिनट, कोई आवाज आ रही है मुझे ऊपर से। भाई ये क्या है, ये क्या गिर रहा है मेरे ऊपर? गया मैं